11 महीने में 56,000 लोगों ने अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया है, यानी कि रोज करीब 170 लोग। अब जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई है, पूरी दुनिया में इसे लेकर तेजी से चर्चा होने लगी है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक साल से भी कम समय में 56,000 लोग अपना धर्म बदलने को मजबूर हो गए और मुस्लिम धर्म अपनाने लगे। मैं हिमांशु अनकट के इस वीडियो में बात करने वाला हूं इसी मास रिलीजन चेंज के बारे में। ये धर्म परिवर्तन कहां हुआ है और इसके पीछे का कारण क्या है? तो आपको बता दें, इस धर्म परिवर्तन की रिपोर्ट आई है प्रमुख इस्लामिक देश सऊदी अरब से। सऊदी के सिर्फ पूर्वी प्रांत में पिछले 11 महीने में 56,000 लोगों ने अपना धर्म बदल लिया है और इस्लाम अपना लिया है। अब ये रिपोर्ट इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि 10 साल पहले यानी कि साल 2013 में पूरे सऊदी अरब में सिर्फ 4,200 लोगों ने इस्लाम अपनाया था, जबकि साल 2016 में सऊदी के सिर्फ पूर्वी प्रांत में 8,424 लोगों ने। हालांकि ये डेटा साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन 10 साल के अंदर कुछ हजार धर्म परिवर्तन से सीधा 56,000 तक पहुंचे इस डेटा ने सभी को हैरान कर दिया है। सऊदी इस्लामिक मंत्रालय ने जो रिपोर्ट शेयर की है उसमें धर्म परिवर्तन करने वालों में पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले काफी ज्यादा है, यानी कि 56,000 लोगों में से 41,609 पुरुष हैं और 14,952 महिलाएं हैं। और तो और, जिन जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है वो लोग सऊदी से बाहर के लोग हैं, जो अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया से यहाँ काम करने आए थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कैसे इतने सारे लोगों को इस्लाम अपनाने के लिए मना लिया गया, या ऐसा क्या हुआ जो ये लोग इस्लाम अपनाने लगे। अब देखिए, इसका ठीक ठीक जवाब तो रिपोर्ट में नहीं दिया गया है, लेकिन मिनिस्ट्री ने जो रिपोर्ट शेयर की है उसमें बताया गया है कि धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग हॉस्पिटल या ऑफिसों में जाकर कैंप लगाते हैं और वहां सेमिनार, पर्सनल डिस्कशन या फिर वर्कशॉप जैसी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों को इस्लाम की ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा ये लोग दूसरे देशों से सऊदी में काम करने आए लेबर्स के कैंप में जाते हैं और वहां भी इस तरह के कैंप लगाते हैं और उन्हें इस्लाम के बेनिफिट्स बताते हैं। सऊदी अरब की एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट ये बताती है कि अपना धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाले लोगों में 90% लोग ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों से सऊदी में काम करने आए थे। लेकिन धर्म परिवर्तन का मामला सऊदी के पूर्वी प्रांत में ही सबसे ज्यादा क्यों होता है? इसका कारण है इसका साइज। वैसे तो सऊदी को 13 प्रांतों में बांटा गया है, लेकिन जो पूर्वी प्रांत है वो एरिया के हिसाब से पूरे सऊदी का सबसे बड़ा प्रांत है और जनसंख्या के हिसाब से रियाद और मक्का के बाद तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है। ऐसे में बाहर से काम करने आने वाले लोगों की संख्या यहाँ काफी ज्यादा होती है और यही सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन के मामले देखने को मिलते हैं। साल दर साल सऊदी में आने वाले लोग इस्लाम अपना रहे हैं और धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अनकट को सब्सक्राइब कीजिए और अगर इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।